नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। सो पहचानिए जो लड़े दीन के है, पुर्जा पुर्जा कट मरे कभू न छाड़े खेत, जो तो प्रेम के ननका चाओ सिर धर तली गली मुरियाओ। सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के है, पुर्जा पुर्जा कट मरे कभू न छाड़े खेत, जो तो प्रेम के ननका चाओ सिर धर तली गली मुरियाओ। मैं किशन सिंह, भगत सिंह का बाप। सुप्रीम साहब जरा बात कराओ हमारी। नहीं है। जलट साहब? नहीं है। देखो शाम से जेल के अंदर से नारों की आवाज आ रही है, हमारे बच्चों के बारे में कुछ नहीं बताओ। Oh!
Over there. Hurry up. Come on. Get the axe. Move fast. Hurry. Quick. Hurry. Hurry up. Come on. Move fast. Throw it in the river. Come on. Let's move from here. Fast. Fast. सतलज किनारे अंग्रेजों ने कुछ लाशें जलाई हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ मुझे भी बताओ। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ भगत की माँ, कुछ नहीं। ओए गड्डी निकालो। बाबूजी क्या हो गया? पानी चुक गया, हुन तुसी आके जरा देख लो। भगत सिंह दे माँ प्यो ने। काका जरा कपड़ा चुकी। बापू आप जानते नहीं ये लोग कुछ नहीं होगा। आइए हटिए आप पीछे। शांत रहिए आप लोग, शांत। ये लीजिए हमारी तरफ से भेंट लीजिए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आप चाहते तो उन्हें बचा सकते थे लेकिन आपने उन्हें बचाया नहीं। देखो उन्हें बचाने के लिए मैं खुशी से अपना जीवन भी दे देता पर बेटे सच बात तो यह है कि वो खुद ही जीना नहीं चाहते थे। अंग्रेज सरकार की तरह आप भी नहीं चाहते थे कि वो जिए, इसलिए आपने कोशिश ही नहीं की। मैं भगत सिंह की बहादुरी और कुर्बानी को प्रणाम करता हूँ, उनकी देशभक्त की भावना का भी आदर करता हूँ लेकिन मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता। इसीलिए मैं उनकी फांसी के पक्ष में भी नहीं था। मैंने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। क्यों? क्यों यकीन करे आपका? इतिहास आपसे ये सवाल हमेशा करेगा। चलो गांधी हाय हाय, गांधी हाय हाय, भगत सिंह अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, सुखदेव अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, राजगुरु। भगत, भगत कहाँ है तू? भगत, भगत चल। You understand what the Rolat Act says? Do you understand law? I said harder. If I see more than four people together, you will regret the day you were born. Bloody Indians! Saiban, आज वैसाखी का दिन है। हम यहां किसी किस्म का फसाद। पोजिशंस, लोड, फायर। किशन सिंह जी, किशन सिंह जी। सत श्री अकाल ज्वाला सिंह जी। शाम 5 बजे जलियांवाले बाग में जनरल डायर ने गोली चलाने का हुक्म दे देता, अपने हजार आदमी मारे गए।
साहिबान, आज वैसाखी का दिन है। हम यहाँ किसी किस्म का फसाद करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। आज की हमारी ये मीटिंग कानून को चैलेंज करने के लिए नहीं, बल्कि सरकार से ये अपील करने के लिए है कि वो अपने कर्फ्यू के फैसले पर फिर से गौर करें और हमारे लीडर साहब आया। हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, मगर हिंसा से नहीं, अहिंसा से। हमारा हथियार होगा पूर्ण असहयोग आंदोलन, टोटल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कोई हिंदुस्तानी ब्रिटिश सरकार का साथ ना दे, हर सरकारी नौकर नौकरियां छोड़ दें, मजदूर फैक्ट्री से निकल आएं, बच्चे सरकारी स्कूलों में जाना बंद कर दें, कोई किसी तरह का टैक्स ना दें, सारे विदेशी कपड़े जला दो, ऐसा करो कि इस ब्रिटिश सरकार का यहाँ सारा काम काज रुक जाए। अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं वादा करता हूँ कि एक साल में हमें आजादी मिल जाएगी। भाई मेहता जी, हाँ। आज का अखबार तो देख लिया ना? हाँ, देखा जी देखा। इंग्लैंड के सारे सरमायेदार भी परेशान हैं। उनके जहाज जो भरे के भरे यहाँ से वापस लौट रहे हैं। मैं कहता हूँ जी, ये नेशनल बाइकॉट में बड़ी ताकत होती है। हाँ जी, बड़ी बड़ी हुकूमतों को हिला के रख देती है। अब तो देखना ये गोरी सरकार कब तक टिकती है। बिल्कुल नहीं टिकेगी बापू जी। आजा भाई, आजा आजा। गांधी जी ने कहा है चंद महीनों की बात है, अब हमारे देश को आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, रुक रुक, कहाँ घूमता फिरता है? सुना है आज पुलिस वालों के साथ भी झपट हो गई, कहीं चोट वोट तो नहीं लगी ना? अब हमारे चोट खाने के दिन गए माँ, गांधी जी के आंदोलन ने अंग्रेजों की जान आफत पे डाल दी है। छोटी छोटी खा लीजिए। गांधी जी जिंदाबाद, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिंदाबाद, नामिल विरुद्ध जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद, नॉन कोऑपरेशन। इस असहयोग आंदोलन में पूरे लाहलपुर में आपका बेटा ही सबसे आगे है। जी मेरा कहाँ रह गया, अब तो गांधी जी का हो गया, एक लफ्ज नहीं सुन सकता उनके खिलाफ। अच्छा? हाँ जी। एक बात बतलाओ चाची, अगर अजीत चाचा एकदम से तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या करोगी? क्यों मजाक कर रहा है भगत, क्या वो दिन आएगा कभी? आएगा क्या चाची, आ रहा है। सच कह रहा हूँ, भगवान खुद गांधी बन के आए हैं इस मुल्क में, तैयार हो जाओ, एक साल के अंदर अंदर आजादी आ रही है। वंदे मातरम जी। मेहता जी, जी कल का जुलूस अनारकली चौक से निकालना है। जी जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का? भगत। भगत? हम उसे अपने पास ही रखेंगे। ओ भाई, भगत हमारे पास ही है, कौन दूर ले जाएगा उसको हमसे? आप देख नहीं रहे उसकी उम्र ही क्या है? इतनी छोटी सी उम्र में देश के लिए इतना जुनून। वतन, आजादी, ये सब अपनी जगह सही है, लेकिन इस घर ने इतना देखा है, इतना सहा है। स्वरण, अजीत, बस अब भगत नहीं,
हो? भगत नहीं, भगत नहीं। किशन सिंह जी, किशन सिंह जी, एक बहुत बुरी खबर है जी। गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जी। क्या? हाँ। क्या बोल रहे हो जी? हाँ जी, मैं अभी रेडियो के ऊपर सुनकर आ रहा हूँ जी। चोरी चोरा में शान जुलूस के ऊपर पुलिस ने गोलियां चला दी, कुछ लोग मर गए। इससे भड़क कर लोगों ने थाने में आग लगा दी, 22 पुलिस भी मारे गए। इस बात से नाराज होकर गांधी जी ने अपना आंदोलन ही वापस ले लिया। उन्होंने कहा स्वतंत्रता के लिए अभी अपना देश पूरी तरह तैयार नहीं है। जाने दो उसे भगवान, कच्ची उम्र का घाव है, भरने में वक्त लगेगा। यही है ना मेरे ख्याल से? हाँ यही है, बिल्कुल यही वाला। मंगल पांडे के बाप का नाम बता। जी। अबे इधर उधर क्या देख रहा है? सुना नहीं सुखदेव भाई ने क्या पूछा, नाम बता। जी नहीं मालूम। इस फ्रीडम फाइटर का नाम भी लिख ले जाएगा। नाम बोल। जी अतुल सचदेव। कॉलेज के बाद कैंटीन में आ जाना। शाम को कैंटीन में। कल मैं बोट क्लब जा रहा हूँ, ऐसा करते हैं हाँ। परसों मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, परसों मिलते हैं। ओए मिलन सर, मामना मदन मोहन मालवीय जी का पूरा नाम बता। जी बता बता। अबे नलायक पूरा नाम ही तो बोल रहा हूँ मैं। विलायती बाबू। रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन आया था? जी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, 20 अक्टूबर 1774। वाह मेरे देश प्रेमी, तू ही लाएगा क्रांति इस देश में। देख रहे हो भगवती भाई, ये हाल है। उनका इतिहास डिटेल में मालूम है, जो नहीं पूछा वो भी बता रहा है। इसमें इनका दोष नहीं है सुखदेव, हमारे कॉलेजों में आजकल उन्हीं का इतिहास पढ़ाया जा रहा है, हमारा भुलाया जा रहा है। इसीलिए सारा मामला अब मैं अपने हाथ में ले रहा हूँ। आज से इन सब की क्लास मैं लूंगा कॉलेज के बाद। नाम लिखा, नाम बोल। जी मार्कंड त्रिवेदी। शाम को कॉलेज के बाद कैंटीन में आ जाना। जी आज नहीं आ सकता। क्यों, आज क्यों नहीं बे? आज रॉबर्ट क्लाइव का जन्मदिन है क्या? जी आज वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने शो है उसमें मेरा भी एक आइटम है। ओए मना किया था ना मैंने, नेशनल कॉलेज का कोई बंदा उन अंग्रेज लंगूरों के सामने नाचेगा गाएगा नहीं। सुखदेव भाई आप यहाँ सबको मना करते जा रहे हैं, और इसी कॉलेज का लड़का कुछ लड़कों को लेकर वहाँ शो करने गया है। कौन गया है? पता नहीं, मैं देखता हूँ शो कैसे करेगा। टमाटर अंडे का इंतजाम कर जयगोपाल, हो जाएगा। नाम पता है किसी को? हाँ मैं जानता हूँ, अरे वो लंबा सा सरदार नहीं है जो किसी से बात नहीं करता, क्लासरूम में कम और लाइब्रेरी में किताबों में मुंह डाले ज्यादा बैठा रहता है, क्या नाम है उसका? अच्छा अच्छा वो लालपुर का बंदा। हाँ। भगत सिंह नाम है उसका। भगत सिंह, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल होए, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल होए, तेरा लुट ना जाए, हाँ तेरा लुट ना जाए, माल जट्टा पगड़ी संभाल गोए, तोड़ गुलामी की जंजीरें, बदल दे तू अपनी तकदीरें, पड़ जा ऐसा इनके बल्ले, कर दे इनकी बल्ले बल्ले, तोड़ गुलामी की जंजीरें, बदल दे तू अपनी तकदीरें, पड़ जा ऐसा इनके बल्ले, कर दे इनकी बल्ले बल्ले, टुणु 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 बल्ले बल्ले, टुणु 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 बल्ले ओ बल्ले ओ बल्ले।
आसमां कभी वो झुकाए झुकाए यारो जो कभी भी हिम्मत ना हारे आदमी यहाँ पे जो चाहे यारो वो जमीन पे लाए सितारे बांधा किसने तेज हवा को वक्त को किसने देखा मेहनत से ही बदलेगी तेरे हाथों की रेखा तेरा लुट ना जाए तेरा लुट ना जाए मार जट्टा पगड़ी संभाल गए वादा जट्टा आज हम करेंगे ये वादा पैरियों को मिलके मिटाना मिटाना जट्टा है यही तो अपना इरादा फौलादी है बाहे तेरी पत्थर को है सीना कर दे करते इन गोरों को अब तो मुश्किल जीना तेरा लुट ना जाए और तेरा लुट ना जाए मार जट्टा पगड़ी संभाल पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल गए पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल गए तेरा लुट ना जाए ओ तेरा लुट ना जाए माल जट्टा पगड़ी संभाल गए तोड़ गुलामी की जंजीरें बदल दे तू अपनी तकदीरें पड़ जा ऐसा इनके पल्ले कर दे इनकी पल्ले 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 भगत नीचे से नीचे ये गलत बात है यार सरदार तेरी माँ बहुत घी मक्खन खिलाती है और दांत क्या फाड़ रहा है चल लस्सी ले क्या आज का अखबार देखा है भगत क्यों क्या है लाला लाजपत राय हिंदू महासभा को सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस ने किनारे कर दिया ना इसलिए ये कदम उठाया है अब कल पर्चा छपेगा कि भारत के पवित्र स्वाधीनता संग्राम में कभी मत भूलो कि तुम हिंदू हो फिर मुस्लिम लीडर कुछ बोलेंगे धर्म और जात पात के नाम पर आपस में लड़ते रहे तो मिल चुकी आजादी ओ तेरी तो ये साले गोरे लंगूर इधर ला बॉल बॉल इधर ला कितनी बार समझाया बॉल इधर ना मारा करो ना मारा करो हे गिव मी द बॉल आई सेड द बॉल डिडंट यू हियर Did you not hear what I said yesterday? If the ball comes here again, you will not get it back. Hey, Darky, we can play wherever we want. Don't forget, this is our ground. And you don't forget, this is our country. देश का तो पता नहीं भगत, मगर इस मैदान को तो आज ही आजाद कराकर छोड़ेंगे. What did he say? He said that we don't know about the country, but this ground will be free today. From Gorelangur. लगता है पिटने का मन बना ही लिया है काहे किसी का मन दुखाएं उठा लो भाई एक चलो भाई चलो लातों के भूत बातों से नहीं मानते Would you care to translate you darky with pleasure Gorelangur. Ghosts of kicks do not understand words. ये बाएं से दूसरे वाला मेरा और ये लंबे मुंह वाला तो मेरे हथे चढ़े लड़की जैसे चूजे को तो मैं लूंगा बगैर टोपी वाले का सर मैं फोड़ूंगा Let's go. We'll get them some other day. ओए ओए ये तो बिना पिटे ही लौट गए
ओए लौटते कैसे नहीं, इरादा भी देख लिया और मुकदरों का साइज भी। इसी बात का तो इंतजार है दोस्त, जिस दिन सारा देश मिलकर खड़ा हो गया ना, ये लोग ऐसे ही लौट जाएंगे। भगवती भाई आ गया। भगवती भाई, शादी होने का ये फायदा है, आदमी कहीं भी हो खाना वक्त पे पहुंचता है। हंसता क्या है, है? मैं अकेला खाता हूँ क्या? तुम लोगों को भी तो भेजती है, अब तुम में से कोई डिब्बे को हाथ लगा के दिखाए। दुर्गा भाभी ने खाना भेजा है भाई आपके लिए। बोलो दुर्गा भाभी की। आ भाई खैरू, तू भी खा ले। भैया आज नहीं, आज अपनी बीवी और बहन के साथ पहली बार सिनेमा देखने जा रहा हूँ। एचआरए का पैम्फलेट हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सान्याल बाबू ने बनाई है, पुराने सभी क्रांतिकारी हैं इसमें, टारगेट है आजाद भारत। ये हुई ना बात, कभी होम रूल सोसाइटी तो कभी गदर पार्टी, अभी एक और एचआरए। यार ये ऑर्गेनाइजेशन से कुछ होना जाना नहीं है। तो फिर किससे होना जाना? देख भगत, तू मान या ना मान, ये कांग्रेस पिछले 30 साल से टिकी तो हुई है। टिकी हुई है क्योंकि वो सिर्फ टिकी रहना चाहती है। अरे वो काम भी करना चाहती है, लेकिन नॉन कोऑपरेशन को छोड़कर, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन जो नॉन कोऑपरेशन को क्यों छोड़ू, उसी की बात कर। वहां थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि फिर तुम चौरी चौरा की बात करोगे। अबे बात क्यों नहीं करेंगे, वहां कांड नहीं हुआ था क्या? अरे यार कांड हुआ था, लेकिन वहां पर थाने में आग लगाने की क्या जरूरत थी भीड़ को? तो थाने के दरवाजे में मत्था टेक के आगे निकल जाते क्या? कांग्रेसी साहित्य पढ़ के आ गया, आईसीएस की औलाद। यार तू देख सुखदेव, तू तो तहजीब से बात कर, यहाँ पर सबको अपने ओपिनियन रखने का हक है। मैं आज फिर कहता हूँ कि इस गांधी नाम के बंदे में कुछ बात है। बात तो है, मुल्क के 12-13 साल के मासूम बच्चे जिस आदमी के लिए सड़कों पर आ सकते हैं उसमें बात तो होगी। गांधी जी ने कहा है कि गोरों की पढ़ाई नहीं चाहिए, बस्ते नाली में डालकर बच्चे तैयार, कापी पेंसिलों को आग लगाकर बच्चे तैयार। अपने छोटे छोटे हाथों से पैम्फलेट बांटते थे, प्लकार उठाते थे, और फिर अचानक एक दिन पता चला कि मोमेंट वापस ले लिया गया है। सरकारी स्कूलों के गेट उनके लिए बंद है, सरकारी कॉलेजों में दाखिला मुमकिन नहीं, कहां जाते क्या करते? तुम्हें तो याद होगा, अगर लाला जी ने हम जैसों के लिए नेशनल कॉलेज नहीं खुलवाया होता तो दर दर की ठोकरें खा रहे होते। ठोकरें खाए मेरी जूती, मैं तो आज भी 8-10 को अपने घर में नौकरी पर रख सकता हूँ। अबे साले छोड़ दो भगवती भाई मुझे, चोरी चोरा के सिपाहियों का मरना याद है तुझे? उनका नहीं जो उनकी गोलियों से मारे गए थे? जलियांवाला कांड को भुला दोगे तुम, क्योंकि तुम्हारा माँ बाप भाई बहन कोई नहीं था वहां पे। सुखदेव, विद्या अलंकार जी। अगर भगवती भाई ने रोका नहीं होता तो उस मारकंड के बच्चे का सर फोड़ देता मैं। खैरू क्या हुआ इसे? सिनेमा देखने गया था कल रात, गलती से एक क्लास में घुस गया, वहां कुछ अंग्रेजों ने मारा इसको, वही जो क्रिकेट खेलने आते हैं।
पुलिस वो दो लड़के किधर गए चलो जानते हो अगर पुलिस पकड़ लेती तो क्या होता पिटाई होती जेल चले जाते वहां सुख की नींद ही सोते ये तसल्ली रहती कि हमने कुछ किया तुम सोचते हो इस तरह दो चार अंग्रेज लड़कों को मार देने से ये लोग बाज आ जाएंगे नहीं आएंगे फिर मारेंगे और तुम्हारी मार के डर से अंग्रेज हमारा देश छोड़ के भाग जाएंगे तो ठीक है सर कुछ नहीं करते चुपचाप बैठे रहते हैं अरे चुप रहने को कौन कहता है विरोध तो जरूरी है लेकिन उसका भी एक तरीका होता है अहिंसा सिर्फ गांधी एक रास्ता नहीं है भगत अवाम अपने आप में इतना ताकतवर होता है कि अगर उसे सही दिशा दी जाए तो वो बड़ी से बड़ी सत्ता को उखाड़ के फेंक सकता है जैसा कि रूसी क्रांति में कम्युनिस्ट पार्टी ने कर दिखाया जो रूस में हुआ वो यहां भी हो सकता है निश्चित रूप से हो सकता है एक ऐसी पार्टी है जो वही कोशिश यहां कर रही है जो डायरेक्ट एक्शन पर विश्वास रखती है कौन सी सर उस दिन कैंटीन में तुम लोग जिसकी बातें कर रहे थे एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन करना चाहोगे यस सर बिल्कुल सर सोच लो ये रास्ता खतरों से भरा है एक क्रांतिकारी के लिए उसकी पार्टी उसका मकसद सब कुछ है फिर उसके जीवन में ना कोई आराम ना कोई खुशी ना सुख ना प्यार ना घर ना परिवार कुछ नहीं हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं सर ओए भगत बड़ी रौनक है तेरे घर में आज मैं भी वही सोच रहे हैं यार ओ बताइया जी बताइया किस बात की चक्कर क्या है भैया बड़ी देर लगा दी वीरा कौन लोग हैं माना वाली से आए हैं बाबूजी ने खाने पे बुलाया है और आपका रिश्ता भी पक्का होगा रिश्ता हाँ तेजा सिंह का पूरा खानदान आया है और मेरी होने वाली भाभी भी ओए भाभी भगत ओए पुत्र छेती नाल कपड़े बदल के नीचे आ जा तू जी बापूजी अब मैं क्या माँ ये है जी मेरा पुत्र तारी पनकर जी तारे पुत्र तेरा बड़ा नाम सुनिया मेरे पिंड को बड़ा फक्र है कि तू हमारा जवाई होने जा रहा है मम्मा मैं भी आई देखिया माँ क्या कर रहे हैं आप लोग तेरे ब्याह की तैयारी तेरे बाबूजी ने तेरा रिश्ता पक्का कर दिया और मुझसे पूछा तक नहीं ओए तेरे दादी ने तेरे बाप से पूछा था जो तेरा बाप तुझसे पूछेगा लेकिन माँ लेकिन लेकिन कुछ नहीं हर वक्त अभी मनमानी क्या करता है तू नास्तिक बन गया हमने कुछ कहा चल जा ऊपर जा कपड़े बदल कर आ नहीं नहीं लेकिन यार ये शादी और छोड़ रहा शादी खाओ जलेबी ओए थापरा जी बाबूजी भगवती ना तुम दोनों कान खोल कर सुन लो अगर भगत ने शादी से इनकार कर दिया तो मैं तुम दोनों को मार मार के दुम्बा बना दूंगा जी क्या बना दूंगा जी दुम्बा हाँ ना हूं खाओ राज के सत श्री अकाल सत श्री अकाल सुनिए दरअसल बात यह है कि मैं शादी नहीं करना चाहता देखिए मेरी कुछ मजबूरियां हैं किसी और को चाहते हैं आप नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है मुझ में कोई खोट है बिल्कुल नहीं आप सुंदर हैं नेक हैं खुश नसीब होगा जो आपसे शादी करेगा तो फिर आप क्यों इनकार कर रहे हैं मैं शादी के लिए नहीं बना जो रास्ता मैंने अपने लिए चुना है उसमें बहुत सारी मुश्किलें हैं कोई बात नहीं मैं साथ चलूंगी दुनिया भर की दुख तकलीफें हैं सब सहलूंगी लेकिन मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता मैं आपके लौटने का इंतजार करूंगी अगर मैं लौट के नहीं आया तो भगत जनाब वालिद साहब आपको याद होगा कि मेरे जनेऊ के वक्त बड़े पापा जी ने मुझे देश के नाम अर्पित कर दिया था इसे मैं अपनी खुशनसीबी मानता हूँ देश की आज़ादी के सिवा अब मेरी जिंदगी में कोई और चीज़ मायने नहीं रखती इसीलिए मैं उसी रास्ते पर जा रहा हूँ उम्मीद है आप मुझे माफ़ कर देंगे
आपका भगत। इधर से। यूनिफॉर्म वाले बहुत घूम रहे हैं। यूनिफॉर्म से ज्यादा सादी वर्दी में पुलिस है। ये कानपुर भैया रेवोल्यूशनरी कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ क्रांतिकारी पुलिस के साथ छिपा छिपी खेलते हैं। अरे मेस्टन रोड चलो। कितने बजे का टाइम दिया था बिस्मिल साहब? 8 बजे के वक्त दिया, पहुंच जाएंगे। तो तय ये हुआ है, काकोरी क्रॉस होने के बाद ट्रेन रोकी जाएगी और वहीं सरकारी तिजोरी पे हमला होगा। माफ कीजिएगा पंडित जी, मैं एक बार फिर कहता हूँ, ट्रेन में हथियारबंद पुलिस होगी। ये काम बड़ा जोखिम का है। एचआरए में हर काम जोखिम का ही होता है। अगर प्रचार करना है, हथियारों की जरूरत है, तो पैसा तो लगेगा ही मनमत साहब। खान साहब, क्यों ना हम पहले की तरह किसी सेठ या जमींदार के घर पे धावा बोल दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने ही देशवासियों को लूटकर पैसे तो मिल जाते हैं, पर उस आवाम की आंखों में बदनाम हो जाते हैं जिसकी आजादी के लिए हम लड़ रहे हैं। इसलिए इस बार हमने फैसला किया है कि सरकारी खजाना ही लूटेंगे। पंडित जी, वो खजाना भी तो हमारा ही है जिसे अंग्रेज लूट कर ले जा रहे हैं यहां से। बिल्कुल सही कहा रोशन सिंह। तो सब तय हो चुका, वक्त पे पहुंच गए। किसी को कोई शक, कोई संदेह? तो कॉमरेड्स आओ भगत। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुएगा, दिल में है। आओ भगत सिंह आओ। हम राम प्रसाद बिस्मिल, विद्यालंकर जी की चिट्ठी मिली हमें, क्यों आना चाहते हो हमारी पार्टी में? जिस वजह से आपने पार्टी बनाई। अपनी वजह बताओ। वजह सबकी एक है, मुल्क की आजादी। कैसे मिलेगी? लड़के। अंधेरे में 3-4 छोकरों को पीट देने को लड़ना कहते हो? वो शुरुआत थी। लड़ तो हम पिछले 150 सालों से रहे हैं, अब तक तो नहीं मिली आजादी। शायद लड़ने के तरीके में कहीं गलती रही हो। इतिहास कहता है कि क्रांति तब कामयाब होती है जब क्रांतिकारी पार्टी आवाम के साथ। अच्छा 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 अच्छा, 4 किताबें क्या पढ़ ली? चले क्रांति क्रांति खेलने। हाँ, खाते पीते घर के हो, सोचा कुछ एडवेंचर ही कर ले। जिस दिन पुलिस के हाथ लग गए ना, बर्फ पर नंगा लिटाकर वो चाबुक पड़ेंगे कि सारी की सारी गर्मी उतर जाएगी। जाओ बेटा जाओ, जाओ जाओ, ये संघर्ष खून मांगता है, खून। खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं है बिस्मिल साहब, चाहे वो अपना हो या सामने वाले का। बड़ी बात तो यह है कि जिस्म से टपका हुआ एक बूंद खून आने वाली नस्ल के सारे खून में उबाला ला सकता है या नहीं। यही एकलौती ख्वाहिश लेकर पला बड़ा हुआ करतार सिंह सराबा को अपना आदर्श मानता हूं, और बाकी अपने आसपास इतना कुछ देख चुका हूं कि बर्फ की सिलियां और चमड़े के चाबुक मेरे इरादों को टिका नहीं सकते। लौट के आने के बाद बहुत सारी बातें करेंगे। कॉमरेड्स, हमारे नए साथी भगत सिंह।
शासन से। नमस्ते बिस्मिल जी। नमस्ते। सबके सब पकड़े गए। खबर तो यही आई है। सिर्फ पंडित जी हमेशा की तरह चकमा देखे। कहाँ गए? सुना है पटना की तरफ गए हैं, पुलिस उनके पीछे है। इसका मतलब पुलिस हमारे ठिकानों पे भी आ सकती है। उससे पहले जरूरी कागजात कारतूस वगैरह निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ा जोखिम है। हो सकता है पुलिस उस ठिकाने पर भी नजर रख रही हो। मैं पहले अंदर जाऊंगा, तुम लोग ठिकानों का चारों तरफ से मुआयना करके अंदर आना। चलो चलो चलो, चलो, चलो। कौन हो? बताओ कौन हो तुम? तुम कौन हो? बताओ कौन हो तुम? पंडित जी, ये हमारा नए साथी भगत सिंह है। भगत? ये चंद्रशेखर आजाद। तुम्हें अपना नाम बताना चाहिए था भगत सिंह, जान भी जा सकती थी। पार्टी का असूल है किसी अजनबी को अपना नाम ना बताएं। बिस्मिल जी से तुम्हारी तारीफ सुनी थी, आज देख लिया। पंडित जी, अखबार में जो कुछ भी छपा है क्या वो सच है? क्या सबके सब पकड़े गए? हाँ, सब खत्म हो गया। सालों साल की मेहनत, जमाया जमाया ग्रुप, सब एक झटके में खत्म हो गया। अब तो उम्र कैद के दौर चलेंगे, फांसियां होंगी। अभी बहुत कुछ करना बाकी था, सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ पंडित जी। शरीर कैद किया जा सकता है, विचार नहीं। दुश्मन आदमी को मार सकता है, उसके आदर्शों को नहीं। और जब तक आदर्श जिंदा है, पार्टी जिंदा है। हम उस आदर्श को अपने खून से सींचेंगे पंडित जी। हमारी पार्टी का मकसद है इनकलाब, और हम उस इनकलाब को आवाम तक ले जाएंगे, चाहे कोई भी कीमत देनी पड़े। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू।
हजारों ख्वाब रोशन गए, सुलगती सी निगाहों में, सुलगती सी निगाहों में, कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में, कफन हम बांध के निकले गए आजादी की राहों में, निशाने पे जो रहते हैं निशाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे, अगर तुम लोग इस तरह आपस में लड़ते रहोगे तो अंग्रेजों से कैसे लड़ोगे? चलो गले मिलो। कौमी एकता जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, कौमी एकता जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद। So why wasn't I informed earlier? These meetings have been going on for what? A year now? This Naujawan Bharat Sabha seems to be everywhere. Didn't seem like a problem, sir. Let me be the judge of that, officer. Sorry, sir. I thought after Kokori, all these so-called revolutionaries were finished. Who's the leader of this organization? वैसे तो वो कई नामों से जाना जाता है, sir. पर उसका असली नाम है Bhagat Singh. Bhagat Singh? Yes, sir. What else do you know about him? वो पुराने क्रांतिकारियों पर लेख लिखता है, पर्चे बांटता है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है और दोनों को साथ बिठाकर। Arrest him. He's a dangerous man. Arrest him immediately. Right, sir. भीड़ में बम फोड़ने की सजा जानता है ना तू? अब भी वक्त है, गुनाह कबूल कर ले, सजा कम हो सकती है। यह गिरी हुई हरकत तुम लोगों ने की है मुझे फंसाने के लिए, क्योंकि तुम लोग डर गए हो और डरना भी चाहिए। आवाम जाग रहा है, इन अंग्रेजों से कह दो कि दुम दबा कर निकल ले, वरना लात मारकर खदेड़े जाएंगे। What did he say? Sir, I am saying the choice is yours, sir. Leave my land or get thrown out. मैं नहीं रुकने वाला, ऐसे ही पीटता रहूंगा तुझे जिंदगी भर। 60,000 रुपए की जमानत है तेरे सर पर, सड़ जाएगा इस चार दीवारी में, पर ये रकम नहीं जमा कर पाएगा तू। दरोगा साहब, क्या है? इसके बाप ने इसकी जमानत दे दी है। क्या? इतने मायूस ना हुई है दरोगा साहब, दोबारा मुलाकात जरूर होगी, क्योंकि मैं भी रुकने वाला नहीं हूँ। बेबे, बेबे, वीरा आ गया। आ मेरे लाल, रब लख लख शुक्र है। ये कुड़ियो, अमरो, विद्या, आनी, आ गया मेरा पागा वाला, आ गया मेरा पगता। पढ़ाई चंगी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। क्या हाल है? ठीक हूँ। तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। वीरा कैसी है? चंगी है वीरा। परिपन जिंदा रे पुत्रा। जो अन्या मारने मेरे लाल। हाय जीता रे, क्या हाल बना देता जाली माने, खाने को नहीं देते थे क्या? देते थे माँ। मारिया कुटिया तनी पुत्रा। क्यों कुटन गए?
मैं कोई चोर उचक्का हूँ? फिर इन्ने रोज तुम्हें अंदर क्यों रखा उन्होंने? बेबे गप्पा मारन ली। अच्छा? जिस तरह तुम्हें मेरी गप्पे अच्छी लगती है, हाँ? उन्हें भी अच्छी लगती थी। हाँ? मेरी हर बात पर वो तुम्हारी तरह दांत निकाल कर हंसते थे। अच्छा? सिर्फ तुम्हारी तरह उनके दांत नकली नहीं थे। नकली? मेरे नकली दांत है? असली दंदों को नकली बना देता है। चाह गन्ना तोड़ के लिया, मैं उन्हें तेरे चूर के बखा लिया। जिंदा रह पागा वाले, आज कितने दिनों के बाद इस आंगन में हासे की आवाज आई है। पुत्र हुंटा सानू छटके ना जाए। ओए नहीं जाएगा बेबे, कैसे जाएगा, पूरे 60,000 की जमानत हुई है। अब इसके लिए दूध की डेरी खोल दी है, वहीं बैठेगा। हाँ। है ना भगत? अच्छा बापू जी, सुन लिया सुन लिया। कुछ नहीं हुआ माँ, बस जरा सा। नहीं, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। सुन लिया तूने? झूठ भी बोलने लगा है, कह रहा था मारा पीटा नहीं। देख पुत्र, मैं अब तुझसे दूर नहीं रह सकती। नहीं। तू मुझसे दूर कब है माँ? तू तो हमेशा। बस बस, जानती हूँ बड़ा अच्छा बोलता है तू। तू अब मुझे छोड़कर मत जा, दिल लगाकर डेयरी में काम कर ले, ठीक है ना? अच्छा लस्सी तो पिला। ठीक से नहीं चल रहा है यशपाल, कल भी तुम पर्चे बांटे बिना आ गए। दो बार तो गया था, पूरी कोशिश करी थी, लेकिन वो थानेदार बड़ा बदमाश है यार। ओए पुलिस वालों का ध्यान मैं बटा दूंगा। जयगोपाल, उस थानेदार की ना सारी भैंसे खोल देंगे रात को, पुलिस वाले भैंसे ही ढूंढते रह जाएंगे। तो फिर पर्चे बढ़ जाएंगे। ठीक है, दो दिन बाद मैजिक लैंटर्न शो भी कर लेंगे, तैयारी रखना। अरे भगत, पंडित जी की चिट्ठी पूरी हो गई है, और कुछ जोड़ना है इसमें? लिख दो, इस बार उनका कोड है चार्ली चैपलिन। ओए बेड़ा गर्क, जयदेव फिर गिर गया। तुझे मना किया था ना, है? फिर क्यों दोहरा था मैस? देख कितना दूध गिरा दिया। ओले यार, अब बापूजी समझेंगे सारा दूध हम पी गए। छाड़ यार, तुझे दूध की पड़ी हुई है। मेरी माशूका समझती है मैं पुलिस की लाठियां खा रहा हूँ, क्रांति कर रहा हूँ। उसे पता चल जाए भैंस की लात खा रहा हूँ तो मुझे लात मार के चली जाएगी। कुड़िया, ओए किथे? ओए माना वाली। कौन माना वाली? ओए भगत की होने वाली। ओए कौन सी यार, इसमें तो कई है। ओए वो जो इधर नहीं देख रही है वही है। मैं क्या परजाई जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। तू चल ना, तू चल, ऐसी आ रही है जी। हम यहाँ मिलने में आए थे और चलते चलते गला सूख गया, इसलिए हमने सोचा कि। अच्छा सोचा जी, अच्छा सोचा। अपनी डेरी, अपने भगत की डेरी है, आओ दूध शुद्ध पी लो। आ जाओ जी, आप लोग भी आ जाओ। सुनो, अरे आराम से बैठिए। जटिया प्यास तो बहाना है, तेरे से मिलने आई है। ओ बुला के बिठा तो सही। सुखदेव रुक। ओ बुलाओ नु। ओ ठहर। ओ बुला ले बुला ले। आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी। की लावा, मक्खन लावा, दूध लावा। चीरे वाले आए, चीरे वाले आए, लगे खंड से भी मीठी। सोने से भी सोनी सोनी तेरी बोली आए, चीरे वाले।
बंगाल से कोई नहीं आया। उनका कहना है कि वो हमारे विचारों से सहमत नहीं है। अरे इसलिए तो ये मीटिंग बुलाई है कि सब साथ साथ बैठकर एक दूसरे के विचार और तरीके समझ लें। बिजॉय अब एकजुट होकर काम करने का समय आ गया है। मुझसे जितना हो सका मैंने समझाया। ओए सरदार भगत सिंह की हाल है? ओए बड़ी जल्दी रिहा हो गया डेरी से। ओए एक साल हो गया तेरी बड़ी जल्दी ले बुट्टा ले। और अगर दुनीचंद जी की दलील से केस सॉल्व नहीं होता तो 60,000 के चक्कर में जिंदगी भर लगे रहते। गाय भैंसे धो और क्रांति लाओ। क्रांति का तो पता नहीं लेकिन मेरी बेबे जरूर खुश हो जाती। ओए बेबे या मानना वाली भी। ओए ओले ओले यार मैं मजाक कर रहा हूं। छोड़ छोड़। ओए 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 ओ नहीं देख मैं भुट्टा मार दूंगा भुट्टा मार दूंगा। ओए पागल हो गया सरदार यार लग जाएगी। ओए कतरी के कैसे जाएगा। ओए ओए ओ सरदार। ओए ओए नहीं ओए ओ यार ये टूटा हुआ है यार थोड़ी देना ना। ओ कोई है बुआ खोल बुआ। ओ छोड़ ओए यशपाल रसगुल्ले लाने गए थे ये क्या उठा लाए? यहाँ का पता पूछ रहा था। कह रहा था पंडित जी ने भेजा है। कोड नहीं बताया तो उठा लाए इसे। खोलो। ओ सीधा बैठ। जय ला। जय ला। कौन हो तुम? देखिए भाई साहब मुझे चंद्रशेखर आजाद जी ने भेजा है मोजांग हाउस पहुंचने के लिए। पता ही पूछ रहा था कि पहुंच गए। कहाँ? और यही है मोजांग हाउस। अच्छा कोड बता। कोड 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 भूल गया। नाम बता। किसका? ओए अपना नाम बता। मेरा नाम बता दो ना। हरी शिवराम राजगुरु। नहीं शिवराम हरी राजगुरु ऐसे कुछ है। चल काम बता। फिर से नाम बताऊं? ओए काम बता। देखिए मैं भी आपके ग्रुप का नया मेंबर हूँ एचआरए का। ये आजाद जी ने ये चिट्ठी भेजी है भगत सिंह के नाम। भगत सिंह कौन है? ला इधर ला। ये चिट्ठी तो भगत सिंह को ही दूंगा मैं। ओए चिट्ठी इधर ला चैपलिन की औलाद। चार्ली चैपलिन। अरे यही तो कोड है। हाँ चार्ली चैपलिन यही कोड है। थैंक यू आभारी है धन्यवाद। मैं भगत सिंह हूँ। आप भगत सिंह है? बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। पंडित जी भी बहुत तारीफ करते हैं आपकी। सुना है कि आपने बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई है कोटला में। सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े क्रांतिकारी इकट्ठा होने वाले हैं। मैं आया हूँ मराठा देश से। वीर मराठा शिवाजी का बच्चा एक्सपर्ट शूटर हूँ एकदम निडर। लेकिन आज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। हाँ लेकिन बस इतना ही कि आप ही के साथ जीऊंगा और आप ही के साथ मरूंगा। पार्टी के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। पार्टी का मकसद जानते हो? आजादी। आजादी हमारा मकसद नहीं है। की भूल चुकी क्या? की बोली ये क्या कह रहा भगत? सिर्फ आजादी हमारा मकसद नहीं है। आजादी का मतलब क्या है? कि हुकूमत अंग्रेजों के हाथों से निकलकर मुट्ठी भर रईस और ताकतवर हिंदुस्तानियों के हाथ लग जाए। क्या यही आजादी है? इससे आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क आएगा? क्या मजदूर और किसान वर्ग के हालात बदलेंगे? उन्हें उनका सही हक मिलेगा? नहीं। आजादी सिर्फ पहला कदम है कॉमरेड्स। मकसद है वतन बनाना। एक ऐसा वतन जहां हर तबके के लोगों को बराबरी से जीने का हक मिले। जहां मजहब के नाम पर समाज में बंटवारा ना हो। एक ऐसा वतन जो इंसान का इंसान पे जुल्म बर्दाश्त ना करे। ये आदर्शवादी कल्पना है भगत। तुम असंभव बात कर रहे हो। मुश्किल है फोनीदा, असंभव नहीं। हिंदुस्तान जहां इतने सारे धर्म जातियां भाषाएं कल्चर्स हैं उसे एक साथ जोड़े रखना आसान नहीं। लेकिन अगर हम इस बात को आज नहीं समझेंगे और इस मसले को लेकर आज से संघर्ष नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान कल एक आजाद मुल्क तो होगा लेकिन एक भ्रष्ट शोषक और सांप्रदायिक समाज बनकर रह जाएगा। कॉमरेड्स हम सबको मिलकर बनाना है एक समाजवादी वतन और यह हमारी पार्टी के नाम में साफ नजर आना चाहिए। इसलिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाना है। आजाद जी ने यह खबर भेजी है कि यहां जो फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो कॉमरेड्स आज से हम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक जंग का ऐलान करते हैं। हमारा पहला हमला होगा साइमन कमीशन पर। इस मोर्चे में हम लाला लाजपत राय जी के साथ खड़े रहेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन साइमन वापस जाओ। साइमन गो बैक। साइमन वापस जाओ। साइमन वापस जाओ। लाला जी
old man. He's the leader. Get him. Simon, go back. Go back. Simon. Nalaji. Nalaji. Simon, go back! Go! सारे देश के मुंह पर चांटा है लाला जी की हत्या। दो 22-22 साल के पुलिस वाले सरेआम पीट पीट कर जान ले लेते हैं उनकी, और कोई कुछ नहीं कर रहा। कर क्यों नहीं रहे? कर रहे हैं ना। कांग्रेस निंदा कर रही है, हिंदू महापरिषद कठोर बकवास बकवास। सच तो ये है कि सब के सब नपुंसक की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। बस सारा देश भी यही महसूस कर रहा है पंडित जी। इसका जवाब हम देंगे। स्कॉट की हत्या करनी होगी। बिल्कुल सही, सिर्फ यही तरीका है इस सरकार को सबक सिखाने का। इनके दिलों में खौफ पैदा करना जरूरी है, और इसी से खौफ पैदा होगा। दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले वो 10 बार सोचेंगे। हत्या? क्या हम खून करेंगे? देखो जयगोपाल, हम इंसान की जिंदगी की कीमत को समझते हैं। किसी मासूम की जान लेने से पहले हम अपनी जान देना पसंद करेंगे, लेकिन यह पुलिस वाला कोई मासूम इंसान नहीं, एक जालिम हुकूमत का नुमाइंदा है। इसकी हरकत से उस हुकूमत का वैश्यपन झलकता है। इसे मारकर हम उस हुकूमत पर वार करेंगे। तो फिर हो गया, मैं अभी पुलिस हेडक्वार्टर में घुस के उस साले को उड़ा देता हूं। राजगुरु, गरम से गरम काम करते वक्त दिलो दिमाग को ठंडा रखा करो। इस एक्शन में कौन कौन आना चाहता है सोच लो। कल अगर पकड़े गए तो अंजाम एक ही है, फांसी। क्योंकि मैं खुद एक्शन में रहूंगा, इसलिए प्लान सुखदेव का होगा। ये रहा पुलिस हेडक्वार्टर और उसके आसपास के इलाके का नक्शा। भगत सिंह और राजगुरु आप अटैक करेंगे। पहल भगत की होगी। पंडित जी, आप इन्हें कवर देंगे। जयगोपाल, स्कॉट पर नजर रखना शुरू करो। वारदात के दिन उसे पहचानना और इशारा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक्शन का दिन होगा 17 दिसंबर।
He's got any Saunderson. Stop, I say! लौट जाओ, मैं कहता हूं लौट जाओ। मैं किसी हिंदुस्तानी का खून बहाना नहीं चाहता। लौट जाओ। An officer of the crown has been murdered in broad daylight. You really don't have a clue who killed him. We have three witnesses, sir. Then get me the suspects, you moron. Comb the town, block all exits. Highway checkpoints, bus stands, rail stations. Raid hostels, boarding houses. And if anybody runs, shoot the bastard. दा कुछ पता चलिया है? क्या ये खबर सच है कि उस अफसर को मारने वालों में एक सिख लड़का भी था? गोरिया ने चप्पे चप्पे पे पुलिस लगा रखी है, पता नहीं कैसे बच पाएगा। Watch each face carefully. गौर से देखिए हर चेहरे को। आप तीनों ने उन खूनियों को देखा है। वो मुजरिम बच के जाने ना पाए। तेरी नजर से कोई नहीं बच पाएगा बच्चा। तेरा भाग्योदय होने वाला है। अलाक निरंजन। माथे पर विलायत का योग है। अलाक निरंजन। Any suspect, pull him up. ले जाओ इसको अंदर। किसी पे जरा सा भी शक हो तो खींच लेना बाहर। Watch them carefully. They may be in disguise. और से देखो हर चेहरे को। वो भेस बदल कर आ सकते हैं, दाढ़ी लगा कर आ सकते हैं, मूछें मुड़वा कर आ सकते हैं। हाथ निकल ले। सीधा चल। लेकिन चल। आयो। माफ कीजिए मैं गिर गया। हमको मालूम तुम गिरा हुआ आदमी है। चलो 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 क्या जाने दो। हमने तुमको कितनी बार बोला हमको लंदन से इंडिया नहीं आने का है, नहीं आने का है। शट अप। लेकिन तुमको अपनी मातों से मिलने का ऐसा लोग है इधर, ऐसा ही तुम्हारा इंडिया। शट अप विल यू। ओह सॉरी। ऐसा ऐसा ऑफिसर ही तुमको ठीक रख सकता है। 150 साल ये लोग ने तुमको मारा लेकिन तुमको अकल नहीं आया, इसको आया। ऑफिसर बन गया। स्मार्ट इंडियन, स्मार्ट इंडियन। थैंक यू सर। लेट्स गो। आइए सर। कम ऑन विल यू। हटो पीछे। जेंटलमैन को रास्ता दो। जेंटलमैन को रास्ता दो। हटो पीछे। आइए सर। थैंक यू थैंक यू। आप लोग वहां क्या देख रहे? वहां देखिए, गौर से। मैं भी देखता हूँ ये तीनों मुजरिम लाहौर से बचकर कैसे निकलते हैं। तुम ठीक कह रहे हो भगत, मैं इतने दिनों से यहां हूं लेकिन बहुत कम लोग हैं यहां जिन्हें हमारी पार्टी के बारे में पता है, और उससे भी कम ये जानते हैं हमारे उद्देश्य क्या हैं, हमारे विचार क्या हैं। कलकत्ता में ये आले तो बाकी देश का क्या होगा, कौन जानेगा। मैं ऐसा क्यों? सारा देश चाहता था कि लाला जी की मौत का बदला लिया जाए। जान जोखिम में डाल के हम लोगों ने उस जज्बे को अंजाम दिया है। भाभी ये आप कह रही हैं, लाहौर में 4 पोस्टर लग गए, लखनऊ कानपुर में 2-3 लेख छप गए तो ये पूरा हिंदुस्तान तो नहीं हो गया।
हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जनता को नहीं मालूम। उनकी नजरों में तो हम वही हैं जो अंग्रेजों ने हम पर ठप्पा लगा दिया है, आतंकवादी। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों ने भी हमें वही बताया है, यही सब जगह हमारे बारे में छपा है और लोग भी हमारे बारे में यही समझते हैं। सच तो यह है कि हम अब तक आवाम के साथ जुड़ नहीं पाए हैं। जो इनकलाब का सपना हम लोगों ने देखा था वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आवाम हमारे साथ नहीं। ठीक कहते हो भगत, एक हम हैं जो देश के लिए मरते हैं मारते हैं और किसी को कुछ पता नहीं चलता, और एक ये हैं जो छींकते भी हैं तो पूरे देश को सुनाई देता है। अब हम भी कुछ ऐसा करेंगे कि पूरे देश को सुनाई दे। हम बम फोड़ेंगे। यहाँ एक आदमी है, जतिन दास नाम है उसका, केमिस्ट्री का प्रोफेसर है, वो हमें बम बनाना सिखा सकता है। अरे ज्योतिंदा गुरु लोग, हम जानते हैं ना, भीषण प्रतिभावान मानुष, ठीक मतो बम बनाना एकमात्र वही जानता है। किंतु फोनिदा उन्हें आश्बेन ना, हिंसा का रास्ता ज्योतिंदा ने छोड़ दिया है, वो नहीं आएंगे। इसीलिए उसने मना किया। भगत अगर तुम कोशिश करो तो शायद वो मान जाए। ना आमी तुम्हारे संगे जाबो ना, जिस रास्ते पे तुम लोग चल रहे उस रास्ते पे कुछ हासिल नहीं होगा। पंडित जी मैं कह रहा हूँ इस रास्ते पे सिर्फ उम्र कैद और फांसी। पकड़े जाएंगे तब ना, जब तक मेरे साथ मेरा ये बमतुल बुखारा है, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि मुझे जिंदा पकड़ सके। मैं आजाद हूँ और आजाद रहूंगा, और अंजाम के बारे में सोचकर डरने वाला देश के लिए क्या लड़ेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, बॉम्ब और पिस्तौल से सब लड़ाई नहीं लड़ा जाता, कांग्रेस भी तो लड़ाई कर रहा है ना, क्यों ना हम कांग्रेस के साथ जुड़ जाए और उसको मजबूत करें। हाँ लड़ रही है कांग्रेस, कांग्रेस सेशन से आ रहे हैं गांधी जी को सुनकर, डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रही है। डोमिनियन स्टेटस यानी कि आधा राज, यानी कि कुर्सी पर तो बैठेंगे हम और हुक्मरान होंगे अंग्रेज। विजय पार्लियामेंट के हर सेशन से पहले लोग खड़े होकर गाना गाएंगे, लॉन्ग लिव द क्वीन। आपने की जान शेटा, अपनी हर पॉलिसी डिसाइड करने से पहले अंग्रेज लोग की मंजूरी लेंगे और कहलाएंगे आजाद। अरे तुम्हें तो सभी बोझ हो दादा। अच्छा तुम लोग जा किछु ही बोलो ना, क्यों लोग तो कांग्रेस के साथ है ना। कांग्रेस का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है, चाहे तरीका जो भी हो, उसके बाद देश को क्या चाहिए क्या करना है इसके बारे में वो नहीं सोच रही। अगर कांग्रेस के तरीकों से आजादी मिली तो गोरे साहब तो चले जाएंगे, उनकी जगह भूरे साहब आके बैठ जाएंगे और हालात वही के वही रहेंगे, अमीर और अमीर हो जाएंगे, गरीब और गरीब। एक ऐसा वक्त आएगा कि धर्म और जात पात के नाम पे इस देश में वो आग लगेगी जिसे बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों की कमर टूट जाएगी। तुम कुछ भी कहो भगत, मैं हिंसा को नहीं मानता। नो वायलेंस। व्हाट इज वायलेंस, क्या है हिंसा बताइए जतिंदा। जब कोई अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरों पर अन्याय करता है, शोषण करता है, उसकी आजादी को छीनता है तो उसे हिंसा कहते हैं। लेकिन जब कोई अपनी जान और इज्जत के लिए लड़ता है, हक के लिए लड़ता है तो उसे हिंसा नहीं आत्मरक्षा कहते हैं, सेल्फ डिफेंस। भगत यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई वायलेंस। वायलेंस आप जो करने जा रहे हैं उसे मैं हिंसा नहीं कहूंगा जतिंदा, उसे मैं आत्मरक्षा कहूंगा, सेल्फ डिफेंस, और वही हम करने की बात कर रहे हैं। गो टू हेल। बोलो कहां चल के मरना है तुम लोगों के साथ। দাদা এই কথাটা ভালো করে বলো না। হ্যাঁ কি ভালো করে বলবো, এই মানুষটা বন্দুক দেখাচ্ছে, তুমি গলা টিপছো। আচ্ছা বাবা রসগুলে গেলাও, চলো চলো। সন্দেশ সন্দেশ। হ্যাঁ से हम हड़ताल पर हैं, हम अपनी बुनियादी जरूरतों की बातें करते हैं, बच्चों की पढ़ाई की बातें करते हैं, रोटी की बातें करते हैं, लेकिन ये खड़ा है हमारा मालिक, हमें देश की आजादी पर लेक्चर दे रहा है। किस आजादी की बात कर रही है, उस आजादी से हमारी हालत में कुछ सुधार आएगा? सही कहा आपने, देखिए आज भी ये मालिक अपने साथ पुलिस लेकर आया है ताकि गोडाउन में पड़ा अपना माल उठा ले जा सके। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन किसी को भी अंदर नहीं जाने देंगे। Yeah, don't worry. Officers, I want all of them out of here immediately. Come on!
मजदूर तभी काम रोकता है जब उसके दुख दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। ऐसी 200 स्ट्राइकें हो चुकी हैं देश भर में इस साल, लेकिन कोई उनके लिए कुछ नहीं कर रहा। सरकार ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के जरिए उनका गला घोटने की कोशिश कर रही है। सारी स्ट्राइकें गैर कानूनी करार कर देगी, बिना सबूत बिना मुकदमे किसी को भी उठा के जेल में डाल देगी। तुमने क्या सोचा है भगत? 8 अप्रैल वॉइसरॉय अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके असेंबली में दोनों बिल पास करने की कोशिश करवाएगा। हम उसका विरोध करेंगे असेंबली में बॉम्ब फोड़कर। बॉम्ब की बोलते भगत? शांत। लेकिन भगत, अंग्रेजों के अलावा वहां हमारे लोग भी होंगे। बॉम्ब ऐसी जगह देखकर फोड़ा जाएगा जहां किसी की जान को कोई नुकसान ना हो। फिर हम बम क्यों फोड़ेंगे? इसलिए कि गोरों की जात बहरी है और बहरों को अपनी बात सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। यह धमाका उन लोगों के लिए एक चेतावनी होगी कि बस बहुत हो गया, अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। बढ़िया भगत, बढ़िया। इस धमाके से तो इंग्लैंड तक हिल जाएगा और लोगों की भगदड़ में बम फेंकने वाले भी आसानी से निकल आएंगे। नहीं पंडित जी, जो जाएगा लौट के नहीं आएगा, अपनी गिरफ्तारी देगा। भगत, क्रांतिकारी कभी हथियार नहीं डालते, आखिर तक लड़ते हैं। हम भी आखिर तक लड़ेंगे पंडित जी। अब तक हमें गैर जिम्मेदार और टेररिस्ट बताया गया है। गिरफ्तारी देकर हम ये साबित कर देंगे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं सोच समझ कर रहे हैं और जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। इस एक्शन से हम आवाम की नजर में आ जाएंगे, वो हमें जानने लगेगा। कोर्ट केस के दौरान हमारी स्टेटमेंट्स दर्ज की जाएंगी, अखबारों को मजबूर होकर हमारे विचार छापने पड़ेंगे। आवाम तक पहुंचने के लिए जिस प्लेटफॉर्म की हमें जरूरत है ये सरकार खुद हमें बना के देगी। उनके गढ़ में खड़े रहकर हम अपने लोगों का विश्वास जीतेंगे। इस काम के लिए 2 लोग जाएंगे, एक मैं। तुम नहीं जाओगे भगत। पंडित जी, तुम नहीं। पंडित जी, मैंने बहुत कुछ सोच रखा है, क्या करना है, क्या बोलना है। जो कुछ भी है तुम बता दो, जो बंदा जाएगा बोल देगा। लेकिन मैं क्यों नहीं? सॉन्डर्स मर्डर केस की फाइल अभी तक बंद नहीं हुई है और तुम्हें भेजकर मैं कोई चांस नहीं ले सकता। पंडित जी, ये काम मुझसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। ये तय करना मेरा काम है। मिशन होगा लेकिन बंदे मैं चुनूंगा। प्लीज पंडित जी, आप मेरी। ये मेरा हुक्म है भगत, HSRA के कमांडर इन चीफ का हुक्म। सुखदेव, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम वहां थे नहीं। मैंने पंडित जी को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। और तू मान गया। ब्रिटिश अदालतें, जहां अंग्रेजों को अंग्रेजी में मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत पड़ेगी, जहां बात तक करने के लिए पूरी हिस्ट्री पॉलिटिकल स्टडीज जेब में होनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट की पावर चाहिए, कन्विक्शन चाहिए, लव्स चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। और जिस बंदे के पास ये सब कुछ है वो वहां नहीं जाएगा। वो यहां बैठे बैठे प्रपोजल्स बनाएगा और दूसरे बंदे जाएंगे लड़ने मरने के लिए। सुखदेव, जिंदगी जीने की ख्वाहिश जाग उठी है क्या सरदार भगत सिंह? जिंदगी तो यूं फेंक दिए पुड़िया बांध के रावी नदी में मैंने। होश संभाला नहीं के मरने मिटने के लिए खड़े हो गए और तुम मुझ पर ये घटिया इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, दोस्त होने के नाते दोस्त को फर्ज का एहसास दिला रहा हूं। और जब तू खुद जानता है कि तुझसे बेहतर इस काम को और कोई अंजाम नहीं दे सकता तो दूसरे बंदे क्यों जाएंगे यार वहां? बस भगत, जब तुमने तय ही कर लिया है कि मेरी बात नहीं माननी है तो फिर। ऐसी बात नहीं है पंडित जी, अगर यहां बैठा एक बंदा यह कह दे कि इस काम को मुझसे बेहतर कोई और अंजाम दे सकता है तो मैं खुद ही विड्रॉ कर जाऊंगा। HSRA का असूल है पंडित जी, जिसकी जरूरत जहां है उसे वहां भेजना चाहिए। लेकिन भगत, सॉन्डर्स मर्डर केस। पंडित जी, जान पर तो सभी खेल रहे हैं यहां, जान की परवाह करके मिशन को तो कमजोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, कौन जाएगा तुम्हारे साथ? मैं जाऊंगा। नहीं सुखदेव, पार्टी में मेरे बाद मेरी जगह सुखदेव लेगा। ये 2 तरफा लड़ाई होगी, हम लोग अंदर से प्रचार करेंगे, आप लोग बाहर से पार्टी का एक्शन जारी रखना। भगत के साथ मैं जाऊंगा। अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, बैठ जा। भगत जो कुछ भी अंग्रेजी में लिख के देगा उसको अच्छी तरह से याद करके बोल दूंगा। हमेशा ये मरने के लिए इतना उतावला क्यों रहता है? बस एक बार देश के लिए मर जाऊं फिर चैन से जीता रहूंगा। सबके सब बावले हो गए। बोलो भगत। मेरे साथ बटुकेश्वर दत्त जाएगा। मैं? थैंक यू भगत। जनाब वालिद साहब, मुझे मालूम नहीं कि दोबारा आप लोगों से मिलूंगा या नहीं। मैं अपने सफर के उस मुकाम पे पहुंच गया हूं जहां मैं किसी का बेटा नहीं, किसी का भाई नहीं, किसी का दोस्त नहीं, सिर्फ एक क्रांतिकारी हूं जिसका एक ही मकसद है, वतन की आजादी। मुझे यकीन है कि आपकी दुआएं मेरे साथ होंगी। आपका भगत।
स्पेशल एनवॉय ऑफ द वॉइसरॉय हिज एक्सीलेंसी लॉर्ड अर्विन मिस्टर जॉर्ज सूस्टर. By the special powers vested in the hands of His Excellency the Viceroy of India, I proclaim the Public Safety Bill passed as law. Likewise, with the same authority and powers, I proclaim the Trade Dispute Bill passed. मुर्दाबाद. अरेस्ट हिम. लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन. डाउन विद इंपीरियलिज्म. बम के धमाके से वाइसरॉय लॉर्ड अर्विन और इमर्सन दोनों बुरी तरह से हिल गए, लेकिन ये जानकर वो ज्यादा बौखला गए कि बम फोड़ने वाले क्रांतिकारी किसी की जान नहीं लेना चाहते थे. They deliberately threw the bombs at the empty benches. But you said they also had a gun. Handed it over to the police sergeant when they surrendered. Handed it over? Lunatics, obviously. The word would be dangerous, sir. It's London again, sir. The Prime Minister himself. कुछ गैर जिम्मेदार नौजवानों ने आजादी की लड़ाई को बदनाम किया है. ये एक खेदजनक हरकत है. इससे स्वतंत्रता हासिल करना और मुश्किल हो गया है. ये बहुत दुखदायी घटना है. इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है. इस देश के नौजवानों को तय करना होगा कि वो किसके रास्ते पे चलेंगे, महात्मा गांधी के या इस भगत सिंह के. इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद. इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद. लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन. डाउन विद इंपीरियलिज्म. इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद. लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन. डाउन विद इंपीरियलिज्म. इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद. इफ द प्रिजनर्स हैव फिनिश्ड एंटरटेनिंग द कोर्ट, perhaps they'd like to say something more pertinent to the case before I pass my sentence. Your Honor, मेरे मुवक्किल अदालत को ये बताना चाहेंगे कि बम फेंकने के पीछे उनकी क्या वजह थी और क्या मोटिव था. They have committed such a dastardly act that this court is not interested in their reasons or motives. Your Honor, आपने कभी किसी मुजरिम को मौत की सजा दी है? What kind of ridiculous question is that? Of course I have, several times. अगर उस फैसले से आपकी नियत यानी मोटिव को हटा दिया जाए तो आप में और किसी कातिल में कोई फर्क नहीं रहेगा. बहुत अच्छा जा रहे हो, दारुण बोले थे, खूब फर्क. जुर्म के पीछे क्या मकसद है ये जाने बिना इंसाफ नहीं किया जा सकता. तो इजाजत है योर ऑनर? यू मे. हम बॉम्ब बनाना जानते हैं योर ऑनर, इसलिए उसकी ताकत भी जानते हैं. हमने जानबूझकर अपने बॉम्ब में केमिकल्स और शार्पनर्स का इस्तेमाल नहीं किया. हमने तो फेंका भी इतना दूर कि किसी को नुकसान ना हो, क्योंकि हम इंसानी जिंदगी की कदर करते हैं, प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं. हमारा मकसद किसी को मारना नहीं था योर ऑनर, हमारा मकसद सिर्फ अपनी बात सुनाना था. और बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इसलिए यह बॉम्ब फोड़ा गया. यह बॉम्ब एक चेतावनी थी अंग्रेजी हुकूमत के लिए कि यहां उनका वक्त खत्म होने को आया है. यह बॉम्ब एक चेतावनी है असेंबली में बैठे उन लोगों के लिए जो आवाम के साथ गद्दारी करते चले आ रहे हैं. उसे रोक दें, इसलिए यह बॉम्ब फोड़ा गया. हमारे देश का असली आधार है हमारे किसान, हमारे मजदूर. लेकिन ना सिर्फ उनकी मेहनत को बेदर्दी से लूटा जा रहा है, बल्कि ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के जरिए उनसे विरोध करने का बुनियादी हक भी छीना जा रहा है. उनकी पीड़ा और उनके संघर्ष को दुनिया के सामने लाना हमने अपना फर्ज समझा, इसीलिए यह बॉम्ब फोड़ा गया. लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान, हमारी नई पीढ़ी खुद सोचे कि उसे किस तरह का भविष्य चाहिए. वो सवाल करना सीखे. आंख मूंद के किसी के पीछे चलना भी एक तरह की गुलामी है. और हमारे महान नेताओं को चाहिए कि वो आवाम को उपदेश और प्रवचन देना बंद करें और उनकी सुने. बापू को गाली देना फैशन हो गया आजकल. The accused say that they hold human life dear, but it has been proven that the bombs were thrown with the clear intention of causing death. Therefore, I award the severest punishment,
transportation for life for both the accused. Long live revolution! Down with imperialism! Inqilab! Zindabad! बेटी भूल जाओ उसे, आप भूल सकती हैं, मेरी बात और है, मैं तो उसकी माँ हूं और मैं सिर्फ खून के रिश्तों का मान रखा जाता है, मन के रिश्तों का नहीं। किशोरी क्या कर रहे हो तुम लोग अभी तक? बम का सारा सामान बाहर रखा है, फौरन समेटो सब कुछ। सुखदेव भाई, याजा जी की चिट्ठी आई है। पुलिस भागो! मुझे मत मारो। क्रांति लाओगे? लाएंगे। बम बनाओगे? बनाएंगे। बम बनाओगे? बता बता अपने साथियों के नाम बता, बता। ए, तू बता अपने साथियों के नाम। ओए दूसरे को भेज, तू थक गया अंग्रेज की नाजायज औलाद। सॉरी यार, मूवमेंट जारी रखे हुए थे लेकिन सब कुछ अचानक हो गया यार, संभलने का मौका नहीं मिला यार। एकाएक पुलिस आ गई। सॉरी भगत। ओए दिल छोटा ना करो यार, ये क्या काम है कि आज भी हम जुड़े हुए हैं? इरादा एक है, मकसद एक है, लड़ाई जारी रखेंगे। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि आज हमें यहाँ क्यों इकट्ठा किया है। सुनने में आया है सॉन्डर्स मर्डर केस चलने वाला है। सॉन्डर्स मर्डर केस? सॉन्डर्स मर्डर केस किस बुनियाद पे? सबूत क्या है इनके पास? स्टैंड इन अ लाइन, ब्रिंग द अप्रूवर्स। Identify them. I'm sorry, Bhagat. You come forward, identify them. Yes, sir. Yes, sir. Kishori Lal, Ajay Ghosh, Shiv Verma, Kaya Prasad, Jaydev Kapoor, अटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह। Loudly! भगत सिंह। और मैं सुखदेव, पहचान मुझे, सर उठा साले, याद है मेरे हाथ की रोटियां? भाई याद है? सुखदेव, मार जाऊंगा इसे मैं। आई छोड़ दे भगत, सब खत्म हो गया भगत, सब खत्म हो गया यार। अपने साथी गद्दारी कर गए, अब कौन विश्वास करेगा हम पे? अब कौन विश्वास करेगा हम पे?
वाइसरॉय और इमर्सन ने चैन की सांस ली। भगत सिंह क्या कर सकेगा? That's what hunting with pack dogs taught me. If your will is superior, they just crumble. Well, they certainly did, sir. Their engine seems to have sputtered and died before the race could even begin. Well, I guess you'll have no more trouble from this Bhagat Singh now. To peace, then. And some sleep, sir. Hey, chalo jaldi karo. Aja, aja. Tu bhi aja. Chal, aage chal. Is everything all right here? Chal chal, tu bhi chal. Hey, freedom fighter, khana le. Chheti kar. मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? ये खाना जिस तरह से ऐसा ही खाना मिलता है। हाँ। और सब यही खाते हैं। मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे खाना? क्योंकि ये खाना इंसानों के लायक नहीं है। What's all the fuss about, Kambahado? The gentleman there wants good food, sir. Please remind him of where he is. This is jail. And the jail is governed by law. And the law is same for everybody, sir. कहना क्या चाहते हो? उन गोरे कैदियों को हर तरह की सुविधा दी जाती है और हमारे साथ जानवर से बदतर सलूक किया जाता है। ये हमारे कपड़े जो बरसों से बदले नहीं गए, ये रसोई घर जहां चूहे और कॉकरोच खाने पर कूद रहे हैं। दाल रोटी दो, कम से कम खाने लायक तो दो। कानून सबके लिए एक है जेलर साहब। जेल रूल सेज देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। टू हेल विद द रूल्स। तुम लोगों को यही खाना मिलेगा और यही खाना पड़ेगा। तो मैं नहीं खाऊंगा। आस्क हिम हाउ लॉन्ग। जब तक हमारे साथ इंसानों की तरह बर्ताव नहीं किया जाता। खाने लायक खाना, साफ सुथरे कपड़े, पढ़ने के लिए किताबें, अखबार। Tell him he won't get anything. कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, कुछ नहीं। तो ठीक है, मैं नहीं खाऊंगा। कब तक नहीं खाओगे? जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती। देखेंगे। शौक से। अच्छा? ओ पकतया, अले रोटी खा ले। कई दिनों से तूने कुछ नहीं खाया। तेनु रब दा वास्ता, मना मत कर। मेहरबानी पाजी, लेकिन मैं नहीं खा सकता। और तेरे लिए खास खाना लेके आया हूं। तूने ही तो रोला पाया था कि खाना अच्छा होना चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ खाने या कपड़ों की नहीं है और ना ही मुझे अकेले की है। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी। सरकार तुम्हारी कोई मांगे नहीं मानेगी। तो ठीक है पाजी, मर जाएंगे ऐसे ही। ओ कमलिया, तेरे को कोई मरने भी नहीं देगा। उधर वो बटकेश्वर दत्त है, उसने भी हड़ताल कर रखी है। तुम लोगों की ये खबर अखबार में छप चुकी है। सरकार तुम्हारी हड़ताल तोड़ने के लिए क्या क्या करने वाली है तुम्हें मालूम नहीं? ये भी मालूम कर लेते हैं। खाना नहीं खाएगा आप, देखता हूं कब तक नहीं खाएगा आप। मुंह खोल इसका, मुंह खोल इसका, मुंह खोल। Put it in the nose, यहाँ पे डाल साले के। पकड़ो। Hold him, hold him. अभी तो सिर्फ 15 दिन हुए हैं। ये बात अच्छी तरीके से समझ लो। तुम्हारी यह भूख हड़ताल तोड़ने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े जरूर करूंगा। अब बोलो, क्या जवाब है तुम्हारा? हमारी मांगों का क्या जवाब है? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी मांगे कभी नहीं मानी जाएंगी। जैसा निजाम चलता आ रहा है वैसा ही चलता रहेगा बस। समझने की कोशिश करो भगत, तुम्हारी इस भूख हड़ताल से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर क्यों कर रहे हो ये बेवकूफी? क्यों? क्योंकि मैं अन्याय सहन नहीं कर सकता और मैं नाफरमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है जेलर साहब, आप नमक का हक अदा करो, मैं मिट्टी का हक अदा करता हूं। अब
अरे भगत 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 भगत, ये क्या पागल बने यार, क्या सुन रहा हूं मैं? तू बीके और समझा नहीं सकता इसको, तू भी साथ दे रहा है इसका, भूखा रह रहा है तू, क्यों क्या हासिल हो जाएगा यार तेरे भूखा रहने से? अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देख सकता है तो तू भी देख ले आसमां, हौसला ये देख के कातिल बड़ी मुश्किल में है। से हम लिखेंगे अपनी दास्तां, जालिमों से छीन लेंगे ये जमीन ये आसमां। अपने ही लहू से हम लिखेंगे अपनी दास्तां, जालिमों से छीन लेंगे ये जमीन ये आसमां। सर फिरे जवान हम तो मौत से भी ना डरे, आज आए देश पे ये क्यों गवारा हम करे। मुल्क पे कुर्बान हो ये आरज़ू दिल दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, डाउन विद इंपीरियलिज्म, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कंटिन्यूज, मिस्टर गार्डिनोड प्लीज प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन। योर ऑनर, इनकलाब जिंदाबाद। योर ऑनर, योर ऑनर, इनकलाब जिंदाबाद। सर, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस सस्पेक्ट शिवराम हरि राजगुरु फ्रॉम पुणे। इसे भी उनके साथ खड़ा कर दो। बड़ दीचे कुतरिया अवर ये। थैंक यू। तू कैसे आ गया? ओ, तुम सबके बिना दिल नहीं लगता है यार। हमारा दिल भी नहीं लग रहा था। योर ऑनर, इज दिस अ मर्डर ट्रायल और अ सेलिब्रेशन? ओए, जश्न है वकील साहब, इनकलाब का जश्न। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब, इनकलाब, व्हाट द हेल इज योर इनकलाब? बार बार इनकलाब का नारा लगाते हो, इसका मतलब भी समझते हो आप? इनकलाब एक लड़ाई है जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ। इनकलाब एक हथियार है आदमी पर आदमी का शोषण रोकने के लिए। इनकलाब एक ऐलान है देश के नौजवानों को एकजुट करने के लिए। इनकलाब एक चेतावनी है इस बर्बर सरकार को होशियार करने के लिए। इनकलाब एक पुकार है सोए हुए आवाम को उठाने के लिए। इनकलाब एक आवाज है दबे हुए जमीर को जगाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मतलब समझाने के लिए। समझ ही गए तो आप भी आ जाएं हमारा साथ निभाने के लिए। Order, प्लीज। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का वायदा माफ गवाह पेश करना चाहता है। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर, मिस्टर फरिंद्रनाथ घोष को पेश किया जाए। हाँ तो मिस्टर घोष, इन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर बम बनाने की फैक्ट्री लगाई थी।
ओए, आंख तो मिला धृतराष्ट्र की औलाद। नहीं दुल्हन की तरह शर्माता है क्या रे? विलायत भी ले जा रहे हैं क्या तुझे गद्दार कुत्ते? ऑर्डर ऑर्डर प्लीज। तो आपने बम बनाने में इनकी मदद की थी? जी, की थी। योर ऑनर, हमारे पास इनका लिखा हुआ बयान है जो अदालत में पेश कर दिया गया है। सॉरी योर ऑनर, इन साहब की गवाही कोई मायने नहीं रखती। ना ये हमारे साथ हैं, ना ये बम बनाना जानते हैं। ये क्या बोलते? हमको बम बनाने नहीं आता है। ओ तो जोदिंदा सामने दाड़िए, हमार गुरु। ओ जोदिंदा, ओके बोलो ना, आमी बम बनाते पारी ना? ना। ना? तुम भी जानो ना, योर ऑनर, इनको बम बनाने को नहीं पाता। की भूल चुके तुम्हें? अगर तुम्हें बम बनाना आता है तो बताओ बम बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है। हाँ यार, उनका मुश्किल काम है। अभी बोलता है, बम बनाने में मेन नौटा जिनिस का दरकार पड़ता है। गुरु बोलो। बोलछी। हाँ बोलो। गन कॉटन। गन कॉटन। गॉज वायर। गॉज वायर। अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट। सल्फर। सल्फर। रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस। रेड सल्फाइड। रेड सल्फाइड। कार्बोलिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। बस और कुछ बाकी नहीं है। कुछ भूल तो नहीं रहे दादा? ना ना, और कुछ नहीं भूल रहे हैं। है। एक होलो लाल माने रेड पेपर बोमा के कैप के वास्ते, एंड आयरन पीसेस बोमा के क्लिप के वास्ते, और कुछ बाकी नहीं। की जतिंदा ठीक बोली नी? यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आई एम प्राउड ऑफ यू फनी। क्या रहे आप? मिल गया सबूत? पूछिए पूछिए, और क्या पूछना है पूछिए। नहीं जी, बहुत पूछ लिया। योर ऑनर, हमें और कुछ नहीं पूछना। बॉम्ब बनाने के बारे में जो कुछ हमने इतनी मुश्किल से सीखा था, कल अखबार के जरिए हमारे देश का बच्चा बच्चा सीख लेगा। थैंक यू मिस्टर खान। योर ऑनर प्लीज स्टॉप। प्लीज स्टॉप। प्लीज स्टॉप। प्लीज स्टॉप। प्लीज स्टॉप। प्लीज स्टॉप। लड़कों ने कमाल कर दिया, अब तो देश का हर बच्चा अपने घर में बम बनाएगा। पंडित जी, पहले तो भगत और सुखदेव और साथियों का अलग अलग जेलों में रखा गया था ना, अब तो सुना है कि सभी को एक ही जेल में ले आए हैं। अंग्रेजों का बुरा वक्त आ गया है रे। भैंस पानी में गई रे। ओ मुंडियो, क्या हो रहा है ये? चलो चल के रोटी खा लो। चलो चलो यार, रोटी खा लो। पकत्या समझा यार इन्हां नूं। ओए ते समझा रहे हैं पाजी। ओए जाओ यार, रोटी खा लो। नहीं भगत, कोई नहीं खाएगा। मैं भी नहीं खाऊंगा। मैं भी नहीं खाऊंगा। हम भी नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे, हम सब साथ हैं यार। देखो, इतना आसान नहीं है। एक बार अगर कूद पड़े तो आखिर तक चलना पड़ेगा। रुकने का मतलब है हार, और किसी एक ने भी। कोई नहीं रुकेगा भगत, हम सब आखिर तक चलेंगे। हम टूटेंगे नहीं भगत, हम में से कोई भी कमजोर नहीं पड़ेगा भगत, सब आखिर तक लड़ेंगे। रोज रोज मरना पड़ेगा, किश्तों में मौत आएगी। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। But it's the third time the Tribune has reported it, sir. It's right there. 26 days without food. It's just a publicity stunt, Herbert. Emerson जानता था कि भगत सिंह की भूख हड़ताल से सरकार को खतरा होगा, लेकिन वायसराय ने उसकी चेतावनी को खारिज कर दिया। Bhagat Singh is not Gandhi. No one cares if he eats or not. Get me the jailer at Lahore. आज बंगाली खून बड़ा जोर मार गया। जतिंदा ने वो हाथ-पांव चलाए, एक हवलदार अभी तक अपना सामान पकड़े बैठा है।
दारुण खूब भालो बोले छे अगर एक बूंद भी अंदर नहीं जाने को दिया तेरे को बोला था ना आखिर तक तेरे साथ चलेगा आखिर तक तेरे साथ चलेगा पाली ला पाली पाली कमीनों ने कल रात से पानी भी नहीं दिया अबे सुन रहा है कोई पानी लाओ ओए पानी तो दे दो हरामियों पानी लाओ पानी ये किशोरी भी तो पागल है कल रात पूरी एक मुट्ठी लाल मिर्च फांक गया ताकि वो लोग गले में ट्यूब न डाल सके इस साले ट्यूब भी नहीं डाल पाएंगे तो खाना कहां से खिलाएंगे सारा गला जल गया है ओए आ गया ओए पानी आ गया हरामजादे बास्टर्ड्स साले इंसान की पैदाइश हो या जानवर की कमीनापन देख भगत पानी की जगह दूध रखा है सालों ने
खुशबू बन के महका करेंगे हम लहलाती हर फसलों में, सांस बन के हम गुनगुनाएंगे आने वाली हर नस्लों में, खुशबू बन के महका करेंगे हम लहलाती हर फसलों में, सांस बन के हम गुनगुनाएंगे आने वाली हर नस्लों में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, वक्त आने पे बता देंगे तुझे ये आसमां, क्या बताए हम जो रोने जहां एक तरफ हिंदुस्तान क्रांतिकारियों की भूख हड़ताल में शामिल हो रहा था, वहां दूसरी तरफ वाइसरॉय की शानदार दावतें जारी थीं। लेकिन I say, what is going on outside? There seems to be some sort of a strike today. I saw that too. Who is this Bhagat Singh that everyone's suddenly talking about? I wouldn't bother too much about that, madam. He's one of those revolutionaries who's gone on a hunger strike as a stunt. But why all the fuss about that? Mr. Gandhi goes on a fast every week, I believe. I just love Mr. Gandhi. Truth and non-violence. That's my kind of enemy. But will somebody please tell me why everyone is so agitated about this Bhagat Singh? Bhagat Singh and his friends have not eaten for the past 55 days, madam. 55 days? My word. That's impossible. The man is looking out for some sympathy. How can a man not eat for 55 days? He has not, madam. Even my family members are fasting for him for the past few days. Care for some fish? Oh no, goodness no. Excuse me. और भगत सिंह की लगाई हुई आग वाइसरॉय महल के अंदर तक आ पहुंची। Herbert, don't you like the music? I had warned you, sir. That man is dangerous. Now they're even talking about him here, for God's sake. I'm sorry, sir, but you see, he's everywhere. Poison gas. He? Oh. You mean your Bhagat Singh fellow? Mr. Gandhi's been the sole representative of the people, and he's been willing to talk to us. But if this Bhagat Singh wave continues, Gandhi may not be left with any people to represent. What do you mean? At this point, sir, Bhagat Singh's popularity rivals that of Mr. Gandhi. Who says? My sources. Your sources? Within the Congress Party. अब देश भर में भगत सिंह की लोकप्रियता महात्मा गांधी के बराबर थी। इस भूख हड़ताल को हर हाल में खत्म करना जरूरी था। What are their demands? ओए बाबा कर मुंह मीठा, गोरे चुप गए। ओए मारे बच्चों के सामने गोरे चुप गए। ओए ले भी बात सुनी, ले पुत्र ले। ओए बोलो जिंदाबाद, बोलो जिंदाबाद। ओए गोरे चुप गए। जतिन दास, 63 दिन से कुछ खाया नहीं, दवाई भी नहीं ले रहे। अगर ये कॉपरेट नहीं करेंगे तो आई कांट हेल्प इट। अरे कोई समझाओ इन्हें। जतिन दा, दादा दादा भगत, हो गया, हम जीत गए मेरे भाई। सरकार ने हमारी मांगे मान ली है, दवा ले ले। बोला था ना भगत, आखिर तक साथ चलूंगा। आज भी एक बूंद अंदर नहीं जाने को दिया। आखिर तक साथ चलूंगा, आखिर तक, आखिर। Huh?
कसम तुमको वतन वालों कभी मायूस मत होना। मनाना जश्न आजादी न मेरे वास्ते रोना, निगाहें मौत से भी हम मिलाने से नहीं डरते। देश मेरे देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे। इस बच्चे की मृत्यु पर मुझे भी खेद है, लेकिन तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि यदि जनता इनके रास्ते पर चलने लग गई तो इससे हमारे समाज की रचना नहीं हो सकती, सिर्फ विनाश ही होगा। विनाश हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है जालिम विदेशी लुटेरों से हिंदुस्तान की आजादी। यह संघर्ष खून मांगता है और हम तैयार हैं। अहिंसा और प्यार, यही दो तरीके हैं आजादी पाने के, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह हम दुश्मन का भी दिल जीत पाएंगे। इतने सालों से इस अहिंसा और प्यार के तरीकों से हम कितने जनरल डायरों और कितने लॉर्ड इरविनों के दिल जीत पाए हैं। हम अंग्रेज सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कमजोर और ताकतवर के बीच कोई बातचीत कोई समझौता नहीं हो सकता। अंग्रेज पहले हमारे घर से बाहर निकले, फिर हम इनसे बात करेंगे। हमने डोमिनियन स्टेटस की मांग की है और वो हम लेकर रहेंगे। टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, बस ये हमारा हक है और हम इसे छीन के लेंगे। बापू, मैं भगत सिंह के विचारों की सराहना तुमने क्यों की जवाहर, और वो भी कांग्रेस बुलेटिन में? मैं चाहता था कि उस पर डिबेट हो, चर्चा हो। चर्चा? तुम जानते हो उनके तरीके कांग्रेस के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध हैं। भूल हो गई, किंतु आपके सामने एक बात जरूर लाना चाहूंगा। हमारे पार्टी के नौजवान भगत सिंह की भाषा बोलने लगे हैं। हमने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी बापू, अभी तक वायसराय के जवाब का हमें इंतजार है, और वहां हमारे नौजवानों में भगत सिंह के पूर्ण स्वराज के नारे गूंज रहे हैं। पूर्ण स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। अंग्रेजी हुकूमत ये बात अच्छी तरह जान ले कि कांग्रेस अपने टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की मांग पे कोई भी समझौता नहीं करेगी। टोटल इंडिपेंडेंस, what's got into the Congress all of a sudden? Bhagat Singh. Sir, Bhagat Singh's popularity is forcing the Congress to behave more militantly. Just read Nehru's speech. But the man's in jail, Herbert. And I thought we had enough witnesses in this case. The case has become a comedy, sir. Bhagat Singh and his friends run their damn revolution from jail and treat the court like their propaganda office. You're not making sense, Herbert. अंग्रेजी हुकूमत को अब बात साफ नजर आने लगी। अदालत के जरिए भगत सिंह का प्रचार देश भर में जागृति ला रहा था। You have to stop him. Herbert, for God's sake, I have to follow the law. You are the law. If you declare an emergency, you can change the law with an ordinance. तो वायसराय के नए कानून के मुताबिक अभियुक्त की गैर हाजिरी में भी उन पर मुकदमा चल सकता है। बिल्कुल, इस तरह जो फैसला उन्होंने कर रखा है उस पर अमल भी कर लेंगे। और इस फैसले के खिलाफ कोई अपील भी नहीं हो सकती। इस ऑर्डिनेंस में तो कोई गुंजाइश नहीं। तो अब अंग्रेज सरकार दिन दहाड़े कत्ल करेगी। तो भगत ने यही तो कहा था पंडित जी, किस मुकदमे के जरिए वो सरकार का पर्दाफाश कर देगा, उसे नंगा करके उसकी असलियत जनता के सामने ले आएगा, और ऐसा उसने कर दिखाया। इसीलिए तो उसी की जान के पीछे पड़े हैं। हम भगत को नहीं खो सकते, हम भगत को नहीं खोएंगे, हम उसे बाहर ले आएंगे। भगवती, वीरभद्र जी, पांडे जी, भगत को खबर करो,
वो तैयार रहे। हम उसे अदालत जाते समय ही छुड़ा लेंगे। उसे जो करना था उसने कर दिया। नहीं सिन्हा, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जो मैं करना चाहता हूँ उसका हजारवां हिस्सा भी नहीं कर पाया हूँ। पंडित जी को संदेश भिजवा दो कि जंग अभी जारी है और मैं मैदान छोड़कर नहीं आ सकता। इसका अंजाम जानते हो भगत? फांसी। मर के क्या हासिल करोगे? जानते हो मेरी दिली ख्वाहिश क्या है? मैं चाहता हूँ कि मैं हंसते हुए फांसी पर चढ़ जाऊं ताकि मेरी मौत देश के नौजवानों के लिए एक मिसाल बन सके और वो सभी बिना डरे जंगे आजादी में कूद पड़े। अगर ऐसा हुआ ना दोस्त, तो उस आजाद भारत का सपना जो हमने देखा है जरूर पूरा होगा, जहां कोई किसी का गुलाम नहीं होगा। हवा, पानी, फसलें, सब पर सबका बराबर का हक होगा। जात पात को लेकर खून खराबा नहीं होगा। हिंदू भाई, मुसलमान भाई मंदिर मस्जिद के नाम पर एक दूसरे का गला नहीं काटेंगे। हर मजहब, हर धर्म, हर जात के लोग एक ही आसमान के नीचे सुरक्षा की सांस लेंगे और वही होगा सही मायने में आजाद भारत, सुनहरा भारत, हमारा भारत। इनकलाब, जिंदाबाद, साम्राज्यवाद, मुर्दाबाद, लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, डाउन विद इंपीरियलिज्म। मिस्टर सिंह, some hard decisions have to be taken to rule this poor and illiterate country. I strongly object, your honor. Neither my country is poor nor is it illiterate. जब तुम्हारे बाप दादा बोलना नहीं जानते थे, यहाँ का बच्चा बच्चा रामायण गीता का पाठ पढ़ता था। सोने की चिड़िया था हमारा देश, वो सोना जिसकी चमक तुम्हें इंग्लैंड से यहां तक खींच लाई। यही लूटने आए थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर, भूल गए? व्यापारी के भेष में लुटेरे हो तुम लोग। तुम क्या आइला, हमको गरीब कहते हो तुम लोग? तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हारी रानी तक अपने ताज में हमारे यहाँ से लूटा हुआ हीरा पहन के बैठी है। कोई नूर हीरा चोर। क्या ऑर्डर लगा रखा है? एक की बजाय तीन जज बैठे हैं तो इसका मतलब ये हम डर जाएंगे? तीन की जगह 300 बिठा दो तो भी हम नहीं डरेंगे। सच बोल के रहेंगे और तुम्हें सुनना पड़ेगा। क्या ब्रिटिश ब्रिटिश लगा रखी है? किस बात का घमंड है तुम्हें? खाने में हाथ की जगह छुरी कांटे का इस्तेमाल करते हो, इस बात का? या धोने में पानी की जगह कागज का इस्तेमाल करते हो, इस बात का? निकलना निकलना, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। कहीं 30 करोड़ हिंदुस्तानी एक साथ चीख पड़े ना तो तुम 1,05,000 अंग्रेज बहरे होके भागोगे यहाँ से। Your Honor, they are wasting precious time of the court. Please allow me to call the government witness, Ram Saran Das. Please proceed. साला गद्दार आ रहा है। ओए उसे छोड़ना यार, अपने रसगुल्ले का बारे आए होंगे, बाहर रोक के रखे होंगे यार, अंग्रेज ना खा जाएंगे। हाँ तो मिस्टर राम सरन दास, आपने अपने बयान में कहा झूठ है। मैंने कोई बयान नहीं दिया है। Your Honor, we have a signed testimony of Mr. Das. झूठ है, सब झूठ है। पुलिस ने मुझे बार बार पीटा और जबरदस्ती मेरा बयान लिया जो कि सरासर गलत है। He's lying. You are lying. You are lying. Order. Inkalab. Zindabad. Inkalab. Zindabad. Your Honor, I want to recall Mr. Jaigobal to the witness box. नहीं चलेगी। बिल्कुल। Your Honor, ये बात अदालत के सामने आ गई है कि पुलिस ने मार मार कर सारे गवाह तैयार किए हैं, इसलिए सारे सरकारी गवाहों के बयान खारिज कर दिए जाएं। That is impossible. I want Mr. Jaigobal here, Your Honor. Call Mr. Jaigobal. Order. Now, Mr. Jaigobal, you tell the truth to the court. मेरा बयान बिल्कुल सच्चा है। स्कॉट को मारने का प्लान भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सबने मिलकर बनाया था, जिसमें मैं भी शामिल था। गद्दार, हरामी, पागल हो गया क्या? Your Honor, this is contempt of court. They all should be handcuffed. Handcuff them all. Call the police. Your Honor, ये अदालत है, यहाँ हथकड़ी नहीं पहनाई जाती। मैं अपने दोस्त की हरकत के लिए शर्मिंदा हूँ, आपसे माफी मांगता हूँ। बोलना। मैं अपनी गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ Your Honor. मेरी गलती की सजा इन सबको ना दी जाए Your Honor. Mr. Hilton, I want all of them to be handcuffed. Handcuff them. Mr. Hilton, please stop them. ये है आपका कानून और ये है आपका इंसाफ। आप लोग मुजरिम हैं, कानून की आड़ में छुपे हुए जल्लाद हैं।
हम इस बेईमान और झूठी अदालत में दोबारा कदम नहीं रखेंगे। ऑर्डर ऑर्डर टू हेल विद योर ऑर्डर एंड टू हेल विद योर लॉ। जो फैसला आप लोग कर चुके हैं जब दिल करे सुना देना। इनकलाब जिंदाबाद। लेट द कोर्टरूम बी एम्प्टी, जस्ट फिनिश द केस, फिनिश इट। आपको अंदाजा है आपने क्या किया है? जिस अदालत, जिस सरकार को हम ठोकर मार रहे हैं, उसी सरकार के सामने आप घुटने टेक कर मेरे लिए रहम की भीख मांग रहे हैं। मैं जानता हूं बाबूजी, आप मेरे तरीकों से सहमत नहीं है, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता इस तरह मेरी लड़ाई में दखल दे। माफ करना बाबूजी, आपने मेरी पीठ में छुरा भोंका। ना भगत, ना बेटे, भगत तू ये बता बेटा, एक बाप क्या करता बेटे? एक बाप बताना क्या करता एक बाप बेटा, क्या करता एक बाप? आप एक मिसाल बन सकते हैं दूसरे पिताओं के लिए कि वो भी बिना झिझक अपनी औलादों को भेज दे आजादी की लड़ाई में शहीद होने के लिए। ये इम्तिहान की घड़ी है, हम कमजोर नहीं पड़ सकते, कमजोर नहीं पड़ सकते। After taking into account the entire evidence and arguments, the tribunal pronounces the following sentences in Lahore conspiracy case: Bijoy Kumar Sina, Kishori Lal, Mahabir Singh, Shiv Verma, Kaya Prasad, Jaidev, and Kamalnath Tiwari, transportation for life. राजगुरु, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। अल्शवाश। सुखदेव, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया ओए। भगत सिंह, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। ऑल थ्री टू बी हैंग्ड बाय द नेक टिल दे आर डेड। धन्यवाद आपका। Take them away. Bharat Singh! Zindabad! Sukhdev! Zindabad! Rajguru! Zindabad! Inqilab! Zindabad! Bharat Singh! Zindabad! Sukhdev! Zindabad! Rajguru! Zindabad! Bharat Singh! Zindabad! Zindabad! Bhagat kuch bhi kahe, wo desh ke liye bahut kimti hai. Use bahar nikalna hi padega. Pandit ji, mujhe apni bahan ko lene station jana hai. मैं चलता हूं। वीरभद्र, चौकन्ना रहना बेटे, माहौल ठीक नहीं है, जाओ। पंडित जी, आपके लिए पुलिस की दबिश दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पैसे तो मिल ही गए हैं, आप रशिया क्यों नहीं निकल जाते हैं? नहीं सुखदेव राज, मैं इस मिट्टी की लड़ाई इसी मिट्टी में खड़े रहकर लड़ूंगा। ये पैसे राजगुरु की माँ को दे देना जी, उन्हें इसकी बहुत जरूरत है। सुखदेव! पंडित जी सुखदेव राज भाग!
क्षमा करना मेरी माँ, बस इतनी सेवा कर सका। वंदे मातरम। ना कुलदार, तू तो मेरा बहादुर भाई है ना। मेरी बीबी है, हिम्मत रख। चुक चुक जिए मेरे लाल, मेरी शेर पुत्र। साडा कल ऊंचा कीता है पुत्रा, वाहेगुरु सदा सहाय होवे। ना ना ना, मेरा भगत बहुत ऊंचा हो गया है। आजादी की राह पे चलना आप इसे तो सिखाए बापूजी। भगत, सबके बारे में सोचता है तू, अपने आदर्श, अपना वतन, अपनी लड़ाई, अपनी माँ के बारे में नहीं सोचता। माँ, जब भी वतन के बारे में सोचता था तू ही तो नजर आती थी, तुझे ही तो देखता था, तू ही मेरी प्रेरणा, मेरी शक्ति है। इतनी छोटी उम्र में सब कुछ छोड़कर चला जाएगा तू? मात्रो, देख अगर तू रोएगी तो मैं भी रो पड़ूंगा, फिर दुनिया क्या कहेगी कि मौत से डर के भगत रो रहा था। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं कहेगा। नहीं रोएगी तेरी माँ, भगत सिंह नहीं रोएगा। नहीं बेटा, जा इनकलाब जिंदाबाद जरूर बोलना। एक ही आवाज, एक ही मांग है, भगत सिंह और उसके साथियों की फांसी रोक दी जाए। आज भगत सिंह सिर्फ एक नाम, एक शख्स नहीं है, बल्कि पूरे देश में छाया हुआ क्रांति का एक जज्बा है। हो सकता है कुछ लोग उसके तरीके से सहमत ना हो, लेकिन उसका बलिदान और देशभक्ति की भावना से कोई इनकार नहीं कर सकता। भगत सिंह बचाओ का नारा मानो सारी दुनिया में गूंज रहा था। Even British MPs, all of them asking you to stop Bhagat Singh's hanging. Must you insist on bringing these in here, Herbert? We've already received more than a million appeals, sir.
Some of them actually signed in blood. Right now, my only concern is to get Gandhi to sign that pact. Yes, sir. The meeting is scheduled for 8 p.m. पंडित जी भगत सिंह को बचाना ही पड़ेगा। शांत, शांत, शांत हो जाइए। सारे देश की एक ही मांग है कि भगत सिंह और उनके साथियों को बचाया जाए, और सभी जानते हैं कि ये काम सिर्फ गांधी जी कर सकते हैं। हाँ, गांधी जी कर सकते हैं। देखिए, देखिए, मैं आपकी बात समझता हूँ। बापू भी समझते हैं। आज उनकी वायसराय से मीटिंग है। उन्हें अरविंद पैक पे साइन करना ही नहीं चाहिए। जब तक वायसराय उन तीनों की फांसी की सजा माफ नहीं कर देते, उन्हें साइन नहीं करना चाहिए। अगर गांधी जी ने बिना शर्त के पैक पर साइन कर दिया तो कांग्रेस के मुंह पर कालिख पुज जाएगी। कांग्रेस की चिंता आपको है, मुझको नहीं, बापू को नहीं। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बात कहते हुए। देखिए, बापू से जो भी हो सकेगा वो जरूर करेंगे, आप लोग भरोसा रखिए। वुड यू लाइक सम टी? एक और बात थी पैक से अलग, तीन नौजवानों को फांसी दी जाने वाली है। Do you mean Bhagat Singh? उसके शहीद हो जाने से देश का माहौल शायद बिगड़ सकता है, क्या इस बारे में कुछ किया जा सकता है? I quite appreciate your view, Mr. Gandhi, but I cannot conceive of anyone who is more thoroughly deserving of capital punishment than Bhagat Singh. हेलो सर, बटसरों की फांसी का वक्त तो कल सुबह का है सर। सर, यस सर, सर, यस सर, सर, छतर सिंह, सर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनकी फांसी की तैयारी करो अभी। लेकिन सर, उनकी फांसी तो कल सुबह। नए ऑर्डर्स आए हैं, फांसी आज शाम को होगी 7 बजे। भगत सिंह, वक्त हो गया है। 2 मिनट जेलर साहब, लेनिन के बारे में पढ़ रहा हूं। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। चलिए। ओ नहीं, नहीं। हाथ कड़ी नहीं लगाएंगे हम। नहीं जी, आपको तो लगवानी पड़ेगी। ओ भाई, आज बिल्कुल आजाद जाएंगे हम। ओए, जाते जाते किसी को नाराज नहीं करते, लगा ले, लगा ले। चल, तू कह रहा तो ठीक है यार, ला। रहने दो, ऐसे ही ठीक है। शुक्रिया जेलर साहब। मेरा रंग दे दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। निकले हैं वीर जियाले, यूं अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे।
आज का बड़ा सुहाना, मौसम भी बड़ा सुनहरा, हम सर पे बांध के आए बलिदानों का ये सहरा। बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है, ऐ देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है। महकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका। निकली है बारात सजा है इनकलाब का डोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे। बसंती चोला रंग दे, रंग दे, रंग दे। बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे। बसंती चोला रंग दे, रंग दे, रंग दे। बसंती चोला माए रंग दे। आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाते हैं। बहुत खुश नसीब हैं आप। लकी, वेरी लकी। ओ पगतिया, अब तो रब का नाम ले। माफ करना पाजी, ना तो मुझे मौत का खौफ है और ना ही रब का यकीन। चंगा। कोई आखिरी ख्वाहिश तुम लोगों की? हम एक बार गले मिलना चाहते हैं। हाथ खोल दो। हाथ बांधो। प्रेम खेलन का चाओ, सिर दर्द अली गली मुरियाओ।